कोरोना का सबसे बड़ा खतरा सब्जी मंडी व अनाज मंडियों से है, जहां 6-7 प्रदेशों से यमुनानगर में फल व सब्जी आती है। सब्जी मंडियों में अलग अलग प्रदेशों से आने वाले वाहनों व उनमें बैठे फल व सब्जी विक्रेताओं व वाहन चालकों से भी कोरोना फैल सकता है। इसको लेकर हालांकि विशेष सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन प्रदेशों में कोरोना बड़ी तेजी से फैला है, उन्हीं प्रदेशों से वाहन यमुनानगर में आकर कोरोना को यहां बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब सब्जी मंडी के थ्रू कोरोना न फैले, इसके लिए प्रशासन एक दफा पहले भी 7 दिन तक हमने सब्जी मंडी बंद रखी थी। अब जैसे सब्जी मंडी हमने सोमवार से शुरू करी है, तो प्रॉपर सभी को वहाँ एक सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हमने उनकी खड़े होने की एक पॉइंट बना दिए, गोल चक्कर लगवाए हैं और सभी को हिदायत जारी करी है कि उनके पास भी हमने बनाए हैं। और साथ में सभी जो थोक विक्रेता हैं, मंडी सेक्रेटरी को मैंने आदेश दिए हैं कि बाहर से जो भी सब्जी आ रही है उनको पहले सैनिटाइज कराओ, जो ट्रक ड्राइवर ले जा रहे हैं उनका भी मेडिकल चेकअप हो, ताकि ये बीमारी की रोकथाम रहे। मैं कल सुबह फिर जाऊंगा दोबारा, मैं वैसे रूटीन में जाते रहते हैं, कल सुबह फिर जाके दोबारा चेक करेंगे भी सोशल डिस्टेंस का पालन ठीक हो रहा है नहीं है, लोग मास्क वगैरह पहनने नहीं पहन रहे हैं, भीड़ का क्या है, तो हम रूटीन में चेकिंग भी करते हैं, कल सुबह दोबारा भी हम जाके दोबारा चेक करेंगे। कि सबसे बड़ा अगर कहीं पे खतरा है तो वो देश भर की मंडियों से है, चाहे वो सब्जी मंडी हो अनाज मंडी हो, जहाँ पर एक एक समय पे हजारों लोग उपस्थित होते हैं और उनमें बाहर के लोग भी आते हैं। जैसे यहाँ पर है तो लगभग 6-7 प्रदेशों से यहाँ पर सब्जी और फल आता है, तो सबसे बड़ा खतरा यहीं पर रहता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी हिदायतें जो है वो जैसे प्रशासन ने दी हैं उनकी पालना कर रहे हैं। लगभग 30 लोगों का हमारा यहाँ पर एक स्वयंसेवी संगठनों का दल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिला फुटबॉल एसोसिएशन के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, कोचेज हैं और ब्लड डोनेशन एसोसिएशन है, नरेश जी उसके अध्यक्ष हैं, वो चला रहे हैं। तो 10 लोग हमारे पास सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, 6 मशीनें हमारे पास, उनके माध्यम से हम जो माल उतरने आता है उसको सैनिटाइज करते हैं, हर व्यक्ति जो खरीदने के लिए आ रहा है उसको सैनिटाइज करते हैं, रेडी वाला है, ऑटो रिक्शा वाला है, साइकिल रेडी वाला है, सैनिटाइज करते हैं, मटेरियल सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ही हम सुनिश्चित करते हैं। और जो ड्राइवर आते हैं बंदियाँ लेकर के, गाड़ियाँ लेकर के, उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, अगर वो मेडिकली फिट हैं तो ही उनको गेट से अंदर प्रवेश करने दिया जाता है, अदरवाइज मना कर दिया जाता है। मंडी में कोरोना वायरस का एक पेशेंट आने की वजह से हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट इसमें डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। और नंबर दो, ये जो भी पास वगैरह है, हम बड़े सिस्टम से लोग अंदर आ रहे हैं, अब इस समय क्या हो गया है कि जो भी एक्स्ट्रा आदमी आया था मंडी के अंदर, कोई रेडी का वाला कोई, वो सब यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि उनके अपने काम खुल गए हैं। अब जो है हमारा जो परमानेंट पेशेंट यानी कि समझो कस्टमर है, वही आ रहा है, तो उसको कुछ आज इनसे बैठ के हम भारत जी से मीटिंग करते हैं और इसमें कुछ टाइम पीरियड मेरे हिसाब से सलाह करेंगे इनसे, वो बढ़ाना पड़ेगा हमें, ताकि किसी को ऐसी कोई दिक्कत ना आए। क्यों, हमारा काम है कि चलो मंडी में रश भी ना हो और किसी को दिक्कत भी ना आए। अगर हमारी मंडी जैसे इस समय पूरी भरी पड़ी है क्योंकि हमारा सारा कस्टमर जो है वो रदौर सडोरा इधर चला गया है, किस लिए कि हमारी मंडी के अंदर रिस्ट्रिक्शन काफ़ी हैं और रिस्ट्रिक्शन हमें करने के लिए हमारी मजबूरी भी है, उसको करना मजबूरी भी है, लेकिन उस हिसाब से इस मंडी का बिज़नेस जो है वो तकरीबन 20% रह गया, 80% ख़त्म हो गया। जहाँ पहले हम लोग एक एक गाड़ी बेचते थे, अब वो एक गाड़ी 5 दिन में बिकती है, तो हमारा काम 20% रह गया। इस हिसाब से अगर ऐसे ही चला तो इस मंडी को लोग छोड़ जाएंगे, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। क्यों, ये अनपढ़ों की जमात है, इसमें इनको समझाना, बहुत समझाया इतने दिन हो गए समझाते हुए, लेकिन ये लोग अब किस किस को, अब ऐसे किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकते, किस किस को क्या, एक बार समझाया, दो बार समझाया, जब उनके वो नहीं समझ आती उनकी, तो इसमें हमारे लिए बड़ी दिक्कत है इस चीज़ की।